नमस्कार दोस्तों, बेरे फ्री वर्ल्ड चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, दिव्यांगजनों के लिए कार्यरत संस्थाओं के पंजीकरण में जो नए विधेयक में क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, नए विधेयक यानी कि द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 में क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, उस पे प्रकाश डालने के लिए आज हमारे साथ डॉक्टर भूषण पुनानी है। स्वागत है सर आपका। नमस्ते। मुझे बताते खुशी होती है कि हमारा जो विकलांगता विधेयक 1995 था, उसमें भी दिव्यांगजनों के लिए कार्यरत संस्थाओं के पंजीकरण की व्यवस्था थी। उस संपूर्ण व्यवस्था को इस नए विधेयक विकलांगता अधिकार विधेयक 2016 में भी स्वीकार किया गया है और नए विधेयक के सेक्शन 49 के तहत संबंधित सरकार को ये अधिकार दिया गया है, निर्देश दिया गया है कि सरकार एक सक्षम अधिकारी को अपॉइंट करेगी, जो अधिकारी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के रूप में संस्थाओं के पंजीकरण की क्रिया को संचालित करेगा। लगभग देश के सभी राज्यों में निर्देशक सामाजिक न्याय और अधिकारिता अथवा समाज कल्याण, जो भी नाम उस राज्य में हो, उसको इस विधेयक के तहत सक्षम अधिकारी के रूप में सत्ता दी गई है। गुजरात में डायरेक्टर सोशल डिफेंस को सक्षम अधिकारी बनाया गया है और सेक्शन 50 50, उसके तहत सभी संस्थाएं जो दिव्यांगजनों के लिए कार्य करती हैं, वो कार्य शिक्षा हो, तालीम हो, पुनर्वास हो अथवा किसी विकास का कार्य हो, उन सभी कार्यरत संस्थाओं को पंजीकृत करवाना अनिवार्य है। लेकिन जो संस्थाएं मानसिक स्वास्थ्य विधेयक 2016 अथवा पुराना नाम मानसिक स्वास्थ्य विधेयक 2009 के तहत पंजीकृत हैं, उन संस्थाओं को इस विधेयक में से मुक्ति दी गई है। ये स्वाभाविक है कि एक संस्था जो किसी समकक्ष विधेयक में पंजीकृत है, उसको दूसरे विधेयक में पंजीकरण करने की आवश्यकता नहीं होती है और पूरे विधेयक में इस पंजीकरण की प्रक्रिया को कैसे लागू किया जाए, पूरा इसके लिए विधान प्रोसीजर बताया गया है। सेक्शन 51(1) के तहत जो भी सक्षम अधिकारी है, वो एक एप्लीकेशन फॉर्म प्रार्थना पत्र तैयार करेंगे और उस नियत प्रार्थना पत्र में हर एक संस्था को पंजीकरण के लिए अर्जी करना अनिवार्य है और जो भी सक्षम अधिकारी है, ये प्रार्थना पत्र मिलने के 90 दिन के अंदर उन संस्थाओं को अपना जो भी विचार है, अपने डॉक्यूमेंट्स हैं, अपना पक्ष है, पेश करने की समय देकर 90 दिन के अंदर इन संस्थाओं को पंजीकृत करने की जो क्रिया है उसको पूरा करेगा। और सेक्शन के तहत ये निर्देश दिया गया है कि सभी संस्थाओं को जो उनका कार्य क्षेत्र है, उस कार्य क्षेत्र के जो लघुतम मापदंड है, जो स्टैंडर्ड्स हैं, मिनिमम स्टैंडर्ड्स हैं, उसको मेंटेन करना, उसको लाना अनिवार्य है, वो करना ही पड़ेगा, इसका निर्देश दिया गया है। और इस नियम में, इस विधेयक में सत्ता मंडल को अधिकार दिए गए हैं कि वो कितने समय के लिए इन संस्थाओं को पंजीकृत करें। सामान्यतः 3 साल अथवा 5 साल के लिए पंजीकृत किया जा रहा है, लेकिन जब ये समय काल पूरा हो जाता है तो संस्थाओं को फिर से नवीनीकरण के लिए अर्जी करना पड़ेगा और इस नवीनीकरण करने के लिए कुछ शर्तों का उल्लेख किया जाएगा, रूल्स में शर्तें लाई जाएंगी, उन शर्तों के अधीन संस्थाओं का पंजीकृत किया जाएगा। और मुझे खास बताना चाहिए कि संस्थाओं को जो पंजीकरण की तारीख है, जब जहाँ तक पंजीकरण दिया गया, उस तारीख खत्म होने के 60 दिन पहले नवीनीकरण के लिए प्रार्थना पत्र भेजना अनिवार्य है। और इस विधेयक में ये भी निर्देश दिया गया है कि जो भी संस्थाएं पंजीकृत हैं, उन संस्थाओं को अपना पंजीकृत जो फॉर्म है, सर्टिफिकेट है, उसको संस्था में डिस्प्ले करना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा, ताकि समाज के लोग देख सकें कि ये संस्था पंजीकृत है।
और जो नवीनीकरण के लिए अर्जी आई है उसको भी एक विशिष्ट समय के दरमियान उसका निपटारा करना पड़ेगा, उसका अंत लाना पड़ेगा और इसके लिए समय सीमा सरकार निर्धारित करेगी, इसका निर्देश दिया गया है। और एक जो खास बात आपको समझने की आवश्यकता है, ये पंजीकरण केवल एक फॉर्मेलिटी नहीं है। इस पंजीकरण में यदि जो सत्ता मंडल को ये मालूम पड़ता है कि वो संस्था अपने मिनिमम स्टैंडर्ड्स को मेंटेन नहीं कर रही है अथवा जो गुणवत्ता जो क्वालिटी ऑफ सर्विसेज होनी चाहिए वो नहीं है, तो उस पंजीकरण को रद्द किया जा सकता है, उसको रिवोक किया जा सकता है। और जैसे इसका मतलब ये हुआ कि वो संस्था अपना कार्य करने में सक्षम नहीं होगी, वो कार्य नहीं कर सकेगी, क्योंकि इस कार्य कर सकती है कि नहीं कर सकती ये इसके पंजीकरण पर आधारित होगा। और यदि पंजीकरण को रद्द किया जाता है तो संस्था को अपने जो प्रॉपर्टीज एक्टिविटीज हैं कार्य है उसको बंद करना पड़ेगा। लेकिन ये स्वाभाविक है, हमारे देश के कानून के तहत यदि कोई सत्ताधीश किसी संस्था के पंजीकृत सर्टिफिकेट को प्रमाण पत्र को कैंसिल कर देता है तो उसको इसमें अपील करने की एक ड्यूटी है, उसके लिए सत्ता है, उसके लिए प्रावधान किया गया है। और हर एक राज्य में एक एपलेट अथॉरिटी बनाया जाएगा। मुझे आपको बताना चाहिए कि काफी राज्यों में सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता को एपलेट अथॉरिटी बनाया गया है और गुजरात में भी सचिव सामाजिक न्याय अधिकारिता को एपलेट अथॉरिटी अपॉइंट कर दिया गया है। विशेष कहना चाहूँगा कि सेक्शन 54 के तहत जो सरकार दिव्यांगजनों की संस्था स्वयं चलाती है उनको इस पंजीकरण की क्रिया से मुक्त रखा गया है। इस सेक्शन को विधेयक को लेकर काफी रोष भी है। यदि बिन सरकारी संस्थाओं के पंजीकरण के लिए प्रोसीजर है तो सरकारी संस्थाओं के लिए क्यों नहीं है, क्योंकि ये मान लेना कि मिनिमम स्टैंडर्ड केवल बिन सरकारी संस्थाओं को लागू पड़ेगा और जो सरकारी संस्थाएं हैं वो मिनिमम स्टैंडर्ड को लेकर चलती हैं, ये मानना भी आवश्यक नहीं है। इसके लिए शायद ये अच्छा होता ये जो पंजीकरण की क्रिया है सबके लिए होती, लेकिन सरकार का पक्ष ये है कि वो सरकार स्वयं उस संस्था को स्थापित कर रही है, इसके लिए उसको तो स्टैंडर्ड मेंटेन करने की आवश्यकता पहले से ही है, इसके लिए इसको रिपीट नहीं किया जा रहा है। लेकिन ये विवाद की बात है जो शायद आगे देखते हैं इसका क्या परिणाम आएगा। लेकिन मैं चाहूँगा कि आप सभी सेक्शन 55 जो नए विधेयक विकलांग अधिकार विधेयक 2016 का एक हिस्सा है उसमें राज्य सरकारों को ये निर्देश दिया गया है कि वो अपनी आर्थिक क्षमता के अधीन रहकर कि जो संस्थाएं इस विधेयक में पंजीकृत हैं दिव्यांग के लिए कार्यरत हैं उन पंजीकृत संस्थाओं को उनकी अपनी सेवाएं और अपनी जो योजनाएं हैं उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए उसका विकास और विस्तार करने के लिए सरकार इन संस्थाओं को अनुदान भी देगी। इसका परोक्ष रूप से भावार्थ ये होता है कि इस विधेयक ने सरकार द्वारा जो बिन सरकारी संस्थाओं को अनुदान दिया जाता है उसको मान्यता दी है, उसको स्वीकृति दी है और सरकार को निर्देश दिया है कि सरकार को इस संस्थाओं को अनुदान देने के लिए योजनाएं बनाना, अनुदान देने के लिए उसका कोड बनाना अनिवार्य है और इन सब संस्थाओं को आर्थिक रूप से सहयोग देना सरकार के दायित्व में आता है, ऐसा निर्देश दिया गया है। इसके साथ मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इस बारे में मेरे विचार सुने। जय शुक्रिया सर। दोस्तों इस वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन है, उस पर आप क्लिक कीजिए ताकि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करवाएं और उसके बाजू में बेल बटन है उसको भी प्रेस कीजिए ताकि इस चैनल में आने वाले कोई भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आपके मेल से मिल जाएगा। और याद रखिए इस वीडियो को देखते पहले आप यूट्यूब में लॉगिन भी करिएगा। दोस्तों हम चाहेंगे कि इस वीडियोस को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए दिव्यांगजनों के साथ, दिव्यांग प्रतिनिधियों के साथ, दिव्यांग एनजीओस के साथ, दिव्यांग संस्थाओं के साथ और जितने भी इसके संबंधित लोग हैं उन सब के साथ, ताकि पूरे भारत देश में इसकी जानकारी होए। ये कानून हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है।
और मैं फिर से आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। थैंक यू सो मच।